और गरियाबंद के नहरगांव में तालाब में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई है। दोनों बच्चे घर से क्रिकेट मैच देखने के नाम पर निकले थे, जो देर रात तक घर नहीं लौटे। सुबह तालाब में जाल डालकर बच्चों की तलाश की गई तो बच्चों के शव बाहर मिले। एक बच्चा कक्षा चौथी तो दूसरा कक्षा में सातवीं पढ़ता था। दोनों की इस दर्दनाक मौत से गाँव में मातम पसर गया है। वहीं पुलिस ने दोनों के शवों का पीएम करवा कर लाश परिजनों को सौंप दी है। नहर गांव में गिरगा तालाब में दो लड़के लोग गए थे, वहाँ नहा रहे थे। उसमें उस बीच में दोनों दोनों नहा रहे थे, गड्ढा अचानक गड्ढा हुआ है, गोदी वोदी खनाया है वहाँ। अब बीच बचाव करने के लिए लड़के छुप गए थे, इसी बीच में ना दोनों सब डूब गए। फिर अब पता करने हम लोग गए, पता नहीं चला। बाद में देखे कपड़े वपड़े फिर बाद में जाल से निकाले तो पता चला कि लड़के लोग यही होगा, घटना होगा। ये गरियाबंद थाना अंतर्गत क्षेत्र जो है नहर गांव एक गांव है, वहां पर दो बच्चे एक 9 साल का और एक 12 साल का तालाब में नहाने गए थे। दोपहर से निकले थे और शाम तक जब वापस नहीं आए तो परिजन इसको खोजबीन किए। बाहर में इनका कपड़ा मिला और उसके बाद जो है तालाब में जब खोजा गया तो इनकी डेड बॉडी मिली है। दोनों बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी।